हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी बनाना की आइसक्रीम। तो पिछला वीडियो मेरा बनाना शेक का था, आप सभी ने बहुत पसंद किया है, तो इसलिए मैं अब लेके आई हूँ बनाना आइसक्रीम। तो यहाँ लिए उसके लिए मैंने दो बनाना केले लिए हैं मैंने इस तरीके के, और एक गिलास ठंडा दूध। दूध आपको ठंडा लेना है, चाहे आप आइसक्रीम बनाइए या शेक बनाइए बनाना का। और यहाँ लिए मैंने 2 चम्मच चीनी। चीनी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना आइसक्रीम हो या शेक हो टेस्ट ख़राब हो जाता है। और ये है आलमंड, टोटली ऑप्शनल है, अगर इस तरीके के हैं तो ले लीजिए, नहीं है इस तरीके के तो आप सिंपल से ये ले सकते हैं। बाद जाहिर सी हमें करना है अपने बनाना को पील करके। तो सबसे पहले आप अपने केलों को अच्छे से छील लीजिए और इनको कर लीजिए कट 3 पार्ट्स में। ऐड करिए इनको एक जार पे, और यहाँ पर ऐड कर दीजिए चीनी, और आप आलमंड डाल दीजिए अगर आप ले रहे हैं, या जो भी आप ले रहे हो ड्राई फ्रूट्स उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं इनको रफली चॉप्ड कर रही हूँ। और फिर लेना है आपको ठंडा दूध। अब मैं बिल्कुल रेडी हो गया है। शेक में हम दूध थोड़ा ज़्यादा लेते हैं और आइसक्रीम में थोड़ा कम, यानी कि 1 कप आप कम कर सकते हैं। उसी हिसाब से लिया है मैंने, ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा और फ्लफी हो गया है। तो आप अगर मोल्ड हैं आपके पास तो आप बहुत अच्छी बात है, आप उसमें इसको जमाइए, लेकिन अगर मोल्ड नहीं है तो इस तरीके के लीजिए आप ग्लास, कुछ ये वाले हैं और कुछ है स्टील के। और इसी तरीके से ली है मैंने कुछ आइसक्रीम स्टिक्स, और मैंने लिया है कुछ स्पून। तो अब इन सभी को हम सबसे पहले फिल कर लेंगे। अभी मैंने फिल कर लिए हैं बहुत अच्छे से। अब मैं ले लीजिए फॉइल पेपर। तो यहाँ मैंने ले लिया फॉइल पेपर इस तरीके से। अब मैं इसको कट करूँगी, क्योंकि मैंने 5 ग्लासेस में इसको पलटा है, तो यहाँ मैं उसी तरीके से इसको डिवाइड कर रही हूँ। लेते जाइए उन गिलासेस को और इस तरीके से रख दीजिए चारों तरफ से। इसको अच्छे से फॉइल पेपर को प्रेस कर दीजिए और फिर एक छोटा सा यहाँ कट लगा दीजिए नाइफ की मदद से, और इसको इसमें रख दीजिए। तो इसी तरीके से हम सारे मोल्ड रेडी कर लेंगे। जो मैंने स्टील की ग्लास ली है उसमें मैं इस्तेमाल करूँगी स्टील की स्पून्स को। तो इस तरीके से इसमें बैक साइड से रख दीजिए। ये सारे मोल्ड हो गए एकदम रेडी। अब चलते हैं हमारे फ्रीज़र की तरफ और इनको जमा लेते हैं 5 से 6 घंटे के लिए। ये रख दिए मैंने फ्रीज़र में और बस इंतज़ार कर रही हूँ अब 6 घंटे बाद मैं इनको देखूंगी और फिर इनको पूरी तरीके से रेडी करूंगी। 6 घंटे होने के बाद आपको पानी को रख देना है गर्म होने के लिए एक बर्तन में, और फिर ले लेना है एक डार्क चॉकलेट कंपाउंड। आप डेरी मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा लगेगी। इसको पहले आपको काट लेना है, गर्मियाँ हैं तो ये बहुत जल्दी कट भी जाएंगे, और इस्तेमाल करने से 1 घंटे पहले आप इसको फ्रिज से बाहर निकाल के रख दीजिए और इनको कट कर लीजिए। ये पूरी चॉकलेट इस्तेमाल नहीं होगी, तो मैं इसमें से आधी इसमें यूज़ करूँगी। करने के बाद इसको रख लीजिए एक सूखे बर्तन पे, स्टील के में या कांच के में, और ये पानी भी गर्म हो गया है इसके ऊपर रख दीजिए, और ये मेल्ट हो जाएगी गर्म पानी में। धीरे धीरे इसको चला चला कर आपको इसको मेल्ट कर लेना है, क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो चॉकलेट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। ये देखिए कितनी जल्दी ये मेल्ट होने लगी है पूरे तरीके से, और जब ये मेल्ट हो जाएगी जो थोड़ी बहुत इसमें दिख रही है वो भी मेल्ट हो जाएगी। तो इसको एक कांच ग्लास पर में आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। ये हो गई है पूरी तरीके से मेल्ट, ये देख लीजिए, और आप इसको एक गिलास में कर लीजिए ट्रांसफ़र। अब जो चॉकलेट है वो अभी गर्म है तो ये ठंडी होना चाहिए यूज़ करने से पहले, यानी कि रूम टेम्परेचर में इसको होना चाहिए। तो अभी इसको मैं थोड़े देर ठंडा करूँगी। चॉकलेट ग्लास हो जाएगा ठंडा, तो आपको अपनी आइसक्रीम को फ्रीज़र से निकाल लेना है, और ये देखिए कितने अच्छे से एकदम फ्रीज हो गई है। और अब एक गिलास आपको लेना है और कैची की मदद से इसको काट देना है। तो ये बहुत आसानी से देखिए निकल जाती है। अब आपको लेना है वो चॉकलेट का गिलास। चॉकलेट का गिलास इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, वरना जब आप आइसक्रीम इसमें डिप करेंगे
तो सारी चॉकलेट्स बाहर गिर सकती है। और ये देखिए आराम से फ्रीज हो जाएगी। और ये प्रोसेस आपको करना है थोड़ी जल्दी, बहुत हैवी है। और अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना है तो आप अभी ही इसमें लगा दीजिए। तो ये हो गई है बनाना की चॉकलेट आइसक्रीम कुछ इस तरीके से रेडी। और वो दोनों, अभी गर्मी इतनी है, वो दोनों थोड़ी पिघल सी रही थी तो उनको मैंने फिर से रख दिया है फ्रीज़र में। लेकिन ये सबसे पहले वाली एकदम रेडी हो गई। आप इसका लुक देखिए कितना अच्छा आया है। बिल्कुल ट्राई करिए इस गर्मी में केले की ये आइसक्रीम। और वीडियो को पसंद कर लिया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।